सो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, एंड इन दिस वीडियो हम रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। दिस रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, इट इज़ अ वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक एंड अ वेरी हाई यील्डिंग वन। सो इन दिस वीडियो, इन दिस चार्ट्स, मैंने इसको ईजी बनाने की कोशिश की है एंड थोड़ा सिस्टमिक वे में समझाऊंगा मैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। ठीक है, नाउ इन द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस आप क्या देखोगे, फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज इफेक्टिवली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग हाइपोथैलेमस, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेट्स एंड टू सम एक्सटेंट द हार्ट। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जो हमारी किडनीज होती हैं उनकी फंक्शनिंग कैसे कंट्रोल की जाती है, फीडबैक इज़ टेकन फ्रॉम देम। फीडबैक होती है इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज़ करंटली हैपनिंग एट द लेवल ऑफ किडनी, वहाँ से हम फीडबैक लेते हैं और उस फीडबैक के कंपेंसेशन में हम हार्मोन्स रिलीज करते हैं और ये हार्मोन्स इस फंक्शन को रेगुलेट करती हैं। तो यही हो गया हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। ठीक है, अब ये जो हमारे हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं तीन सिस्टम्स या तीन ऑर्गन्स अगर हम देखें बॉडी में, तो वो है, एक तो हाइपोथैलेमस है, दूसरा जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेट्स है, एंड हार्ट का भी रोल होता है, बट दैट इज़ नॉट प्रोनाउंसड। असल में जो हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म है, हाइपोथैलेमस एंड जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेट्स इज इन्वॉल्वड इन इट, और हार्ट का बस कम थोड़ा सा रोल होता है। ठीक है, नाउ हम एक एक करके इन तीन चीज़ों को पढ़ेंगे। नाउ द फर्स्ट वी विल डिस्कस हाइपोथैलेमस। देखो वेन एवर देयर इज़ एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूड फ्रॉम आवर बॉडी, जब हमारी बॉडी से एक्सेस फ्लूड लॉस होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, देयर आर सम रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी जो एक्टिवेट होते हैं ड्यू टू चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूड वॉल्यूम या आयनिक कंसनट्रेशन। सो वेन एवर देयर इज़ चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसनट्रेशन इन आवर बॉडी, देयर इज़ स्टिमुलेशन ऑफ सम रिसेप्टर्स। उन रिसेप्टर्स को क्या नाम दिया गया है, ऑस्मो रिसेप्टर्स। सो सिमिलरली अगर हम देखें तो जब एक्सेस लॉस हो गया बॉडी फ्लूड की वजह बॉडी फ्लूड का फ्रॉम द बॉडी, उसकी वजह से होता है ऑस्मो रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन। एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूड कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो, फॉर एग्जांपल देयर इज एक्सेस लॉस ऑफ यूरिन, यूरिन डाइल्यूटेड जो है एक्सक्रीट हो रहा है, एक्सेस वाटर लॉस हो रही है, तो उसमें क्या होगा, ऑस्मो रिसेप्टर्स जो बॉडी में होंगे वो एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं इनकी एक्टिवेशन से क्या होगा, इनकी एक्टिवेशन से हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है। तो जब हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है, हाइपोथैलेमस कराता है रिलीज एंटी डायुरेटिक हार्मोन फ्रॉम न्यूरोहाइपोफिसिस। जब हम पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी के दो मेन लोब्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जो एंटीरियर होता है वो खुद ही हार्मोन्स बनाता है, लेकिन जो पोस्टीरियर होता है, पोस्टीरियर को जिसको हम न्यूरोहाइपोफिसिस बोलते हैं, वो स्टोर करता है हार्मोन्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस, एंड वन सच हार्मोन इज एंटी डायुरेटिक हार्मोन एंड अदर इज ऑक्सीटोसिन। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास जो डिस्कशन में, दैट इज एंटी डायुरेटिक हार्मोन। सो whenever there is excess loss of fluid from the body, osmoreceptors are activated which stimulate the hypothalamus to release antidiuretic hormone from the posterior pituitary, that is neurohypophysis. अब ये जो एंटीडायुरेटिक हार्मोन है, एंटीडायुरेटिक हार्मोन के दो फंक्शंस होते हैं, दो एक्शंस होते हैं, साइट ऑफ एक्शन ऑफ एंटीडायुरेटिक हार्मोन, देयर आर टू साइट्स। पहला है लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, मतलब अगर आप लेटर डिस्टल ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट की बात करो, ये वहाँ पे एक्ट करता है और कराता है वाटर रीअब्सॉर्प्शन। जब वाटर रीअब्सॉर्प्शन इसने कराई तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से ये जो एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूइड हो रहा था बॉडी से, जो यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो रहा था वो कम हो गया, तो डाययूरेसिस से हम बच गए। डाययूरेसिस हो गया एक्सेस एक्सक्रीशन ऑफ द वाटर। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म में, दैट इज़ जब एक्सेस लॉस होता है, ऑस्मोरिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच रिलीज करता है, ये एडीएच जो है ये एक्ट करता है एट द डिस्टल ट्यूब्यूल और कराता है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, देयरफॉर इट प्रिवेंट्स डाययूरेसिस। नाउ ये तो था ADH का टारगेट नंबर वन। टारगेट नंबर टू जो होता है ADH का, दे आर द ब्लड वेसल्स। देखो ADH कैन ऑल्सो अफेक्ट
द किडनी फंक्शंस बाय कंस्ट्रिक्टर इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स. ADH का दूसरा इफेक्ट क्या है, ये वेजो कंस्ट्रिक्टर है, दैट इज इट एक्ट्स ऑन द ब्लड वेसल्स एंड कॉजेज वेजो कंस्ट्रिक्शन. व्हेन देयर इज वेजो कंस्ट्रिक्शन, जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होगा. अब जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हुआ, और ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होगी. ये हमने इससे पहले भी देखा था. तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि हाइपोथैलेमस का इन्वॉल्वमेंट इन द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म ADH रिलीज करना. ADH क्या करता है, एक तो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द डिस्टल ट्यूब, और दूसरा क्या, कंस्ट्रिक्टर इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स, देयरफॉर इंक्रीज GFR. नाउ हियर इज अ पॉइंट, दैट इज ADH जो है, ADH का दूसरा नाम है वेजोप्रेशन. सो ADH इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेजोप्रेशन. सो हमने जो है, हमने अभी तक हाइपोथैलेमस किया, एंड दिस इज़ द लास्ट पॉइंट. जैसे आपने अभी देखा कि जो ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं दे आर एक्टिवेटेड बाय द चेंज इन बॉडी वॉल्यूम. ठीक है, बॉडी फ्लूड्स का वॉल्यूम जो है उनकी चेंज की वजह से वो एक्टिवेट होते हैं. अब जब बॉडी फ्लूड्स डिक्रीज हुए थे तो ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए. जब बॉडी फ्लूड्स एक्यूमुलेट करते हैं, जब वो इंक्रीज होते हैं, जो ये ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं दे आर स्विचड ऑफ एंड सप्रेस द ADH रिलीज. सो अगर हम यहाँ पे देखो हार्मोनल फीडबैक क्यों बोला था, हमने पहले किडनी से इंफॉर्मेशन ली, फीडबैक लिया कि यार किडनीज पे एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूड हो रहा है. ठीक है, वही तो बॉडी से हुआ ना, तो उसके कंपनसेशन में क्या हुआ, उसके कंपनसेशन में ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए और रिलीज हुआ क्या, एंटी डायुरेटिक हार्मोन विच इज अ हार्मोन. तो फीडबैक लिया, हार्मोन रिलीज कराया, और ये जो एक्सेस लॉस था इसको प्रिवेंट किया. दिस इज द रेगुलेशन बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म. ठीक है, अब हमने जो है, अब जब ये फिर से जो बॉडी फ्लूड्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए, तो अब हमें एंटीडायबिटिक हार्मोन की ज़रूरत नहीं है. तो ये जो ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं दे आर स्विचड ऑफ एंड दे सप्रेस द ADH रिलीज. सो दिस वाज अबाउट आवर हाइपोथैलेमस इन्वॉल्वमेंट इन द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म. एंड नाउ वी विल डिस्कस द जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस. देखो, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस हमने इससे पहले भी देखा था इसी चैप्टर में, बट हियर इन द रेगुलेशन ऑफ GFR, नाउ हियर वी विल डिस्कस इट्स रोल इन हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म. देखो, इट प्लेज अ कम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल. तो ये एक थ्योरी पॉइंट है, और अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है दैट इन द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज कम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल, इट इज जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस. ठीक है, अब देखो ये कैसे सेंस करता है चेंजेस. Whenever there is fall in GFR, fall in GFR मैंने आपको पहले ही बोला था, whenever there is decreased blood supply to the kidney, there is fall in GFR. ठीक है, अब जब GFR फॉल होता है, जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है वो स्टूमुलेट होती हैं, और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स की एबिलिटी क्या होती है, रिलीज ऑफ रेनिन. अब जब ये स्टूमुलेट हो गई तो ये रेनिन रिलीज करती हैं. ठीक है, अब इस रेनिन का एक्शन क्या होता है, हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रहा होता है एक प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एंजियोटेंसिनोजन. ये एंजियोटेंसिनोजन लिवर से बनता है, बट आपको वो याद नहीं रखना, जितना मैंने आप नोट्स में बताया है उतना ही आपको याद रखना है, क्योंकि उतना NCERT ने दिया हुआ है. अब अगर मैं समझाने के लिए कोई पॉइंट आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, याद रख सकते हो तो रखो, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू यू नो मेमोराइज देम. अब ये इस रेनिन का एक्शन क्या होता है, ये इस सर्कुलेटिंग एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में. ठीक है, अब इस एंजियोटेंसिन 1 का फर्दर क्या होता है, दिस एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि लंग में प्रेजेंट होता है. तो जब ये एंजियोटेंसिन 2 बना, एंजियोटेंसिन 2 का इफेक्ट क्या होता है, पहला इफेक्ट इट इज़ वेजो कंस्ट्रिक्टर. क्या है, वेजो कंस्ट्रिक्टर. जब ये वेजो कंस्ट्रिक्टर है, ये BP इंक्रीज करेगा. जब BP इंक्रीज हुआ तो ब्लड फ्लो टू द किडनी इंक्रीज हुआ, ब्लड फ्लो टू द किडनी इंक्रीज हुआ तो GFR बैक टू नॉर्मल. ठीक है, तो ये भी तो है ना हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म. क्यों, फीडबैक लिया क्योंकि ब्लड सप्लाई कम है, GFR कम है, तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स को स्टिमुलेट किया, हार्मोन रिलीज किया, हार्मोन रिलीज करने की वजह से इस इफेक्ट को, इस एबनॉर्मेलिटी को हमने कंपनसेट किया. तो दिस इज द फन ऑफ हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म. ठीक है, अब ये तो हुआ इसका एंजियोटेंसिन सेकंड का पहला इफेक्ट. जैसे हमने ADH में पढ़ा था कि इसके दो टारगेट होते हैं, कौन कौन सा था ADH में, एक तो था डिस्टल ट्यूब्यूल और दूसरे थे ब्लड वेसल्स. सिमिलरली जो एंजियोटेंसिन होता है, एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है, इसके दो टारगेट्स होते हैं, एक होते हैं ब्लड वेसल्स जैसे कि हमने पढ़ा था ADH में, दूसरा होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स. अब हम देखेंगे एड्रेनल कॉर्टेक्स पे क्या कराता है.
दिस एंजियोटेंसिन सेकंड इट एक्ट्स ऑन द एड्रेनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट्स इट एंड कॉजेज रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन विच इज अ मिनरल ऑफ कॉर्टिकॉइड फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स. ठीक है, अब इस एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है. एल्डोस्टेरोन रीअब्सॉर्ब्स वाटर एंड सोडियम फ्रॉम डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल. जो हमने DCT में पढ़ा था कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, वहाँ पे मैंने आपको बोला था इट डिपेंड्स अपॉन द एल्डोस्टेरोन. वो यहाँ पे आ गया दैट एंजियोटेंसिन सेकंड इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन. दिस एल्डोस्टेरोन कॉजेज रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम फ्रॉम डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल. और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हुआ, GFR भी इंक्रीज हुआ. क्यों? जब वाटर इंक्रीज हुआ तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ. जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ब्लड तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है हाइपर वॉल्यूम होता है तो प्रेशर इंक्रीज होगा. प्रेशर इंक्रीज होगा तो GFR इंक्रीज होगा. ठीक है, अब देखो जो हमने ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म पढ़ा दैट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस इन हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इट इज़ नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. क्योंकि आपने देखा फॉल इन GFR स्टिमुलेट्स रेनिन रिलीज विच कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन. दिस एंजियोटेंसिन फर्दर स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन एंड दिस इज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म. इसकी वजह से इसको RAS भी बोलते हैं, बट आपकी NCERT ने जो है इसका नाम दिया है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, दैट इज RAM. ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. सो हमने अभी तक हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म में पढ़ा हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस के बाद हमने पढ़ा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस. नाउ हम देखेंगे जो लिमिटेड रोल हमने देखा था हार्ट का वो कैसे होता है. देखो जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, द ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द हार्ट इज इंक्रीज. तो हार्ट जब पंप करेगा फॉर एग्जांपल इट पंप्स द ब्लड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन से वापस आता है ब्लड इनटू द एट्रिया राइट एट्रियम. ठीक है ना, तो जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज है ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो देयर इज इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द हार्ट. तो हार्ट में जो है हार्ट में बहुत सारा ब्लड जल्दी जल्दी आ जाता है. अब ये जो ब्लड ज़्यादा ब्लड आना इन द हार्ट जो होता है इट स्ट्रेचेज द एट्रियल वाल्स. ऑब्वियसली जब एट्रिया के वाल फिल होंगे तो उनका स्ट्रेच होगा. अब स्ट्रेच होने की वजह से क्या होता है, दे आर स्टिमुलेटेड टू रिलीज अ फैक्टर कॉल्ड एट्रियल नैट्रियूरेटिक फैक्टर ANF. ठीक है, सो वेन एवर देर इज इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द हार्ट देर इज रिलीज ऑफ एट्रियल नैट्रियूरेटिक फैक्टर. दिस एट्रियल नैट्रियूरेटिक फैक्टर इज नैट्रियूरेटिक एंड इट कॉजेज वेजोडाइलेशन. तो हार्ट से जो हार्ट के एट्रिया से जो फैक्टर रिलीज हुआ दैट कॉजेज वेजोडाइलेशन और इस वेजोडाइलेशन की वजह से BP जो है BP डिक्रीज होता है. ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर वीडियो. एंड देखो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है, हमने अभी पढ़ा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस उसका फंक्शन क्या होता है. आपने देखा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस इंक्रीजेज द BP. ठीक है, उसके बाद आपने देखा जो हार्ट है हार्ट का जो ANF है इट डिक्रीजेज द BP. देयरफॉर और पहले ही हमने बोला कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस इज वन ऑफ द मेन सिस्टम्स एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम व्हाइल एज हार्ट हैज़ ए लिमिटेड रोल. देयरफॉर ये जो ANF है इट एक्ट्स एज ए चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. दैट इज जब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म हाइपर स्टिमुलेट होता है तो ये ज़्यादा BP ना इंक्रीज करे, इसकी वजह से जो है एड्रियल नैट्रियूरेटिक फैक्टर इसको चेक करता है, इसको इसके इफेक्ट को कम करता है. ठीक है, सो दिस कम्प्लीट्स आवर वीडियो. इट्स अ वेरी कंसेप्चुअल यू नो टॉपिक इन दिस चैप्टर. सो आई होप आपको समझ आ गया होगा. सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जिनको आपको लगता है उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है. सो कीप सपोर्टिंग, स्टडी हार्ड. अल्लाह हाफिज़.